दुनिया के कई देशों में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस संगठित अथवा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और मजदूरों द्वारा मनाया जाता है। मजदूर वर्ग इस दिन पर बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करते हैं। मजदूर दिवस पर टीवी, अखबार और रेडियो जैसे प्रसार माध्यम द्वारा मजदूर जागृति प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं तथा बड़े बड़े राजनीतिज्ञ इस दिवस पर मजदूर वर्ग कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करते हैं। देश में कोरोना वायरस के चलते अचानक लगाया लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ा है। उन्हें जब ये पता चला कि जिन फैक्ट्रियों और काम धंधे से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था वह न जाने कितने दिनों के लिए बंद हो गया है, तो वे घर लौटने को छटपटाने लगे। प्रभावशाली मजदूरों का होना आवश्यक। आर्थिक प्रगति के लिए प्रभावशाली मजदूरों का होना आवश्यक है। मई दिवस मजदूरों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं कल्याणकारी कार्यों की ओर इशारा करता है। मजदूरों की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे विश्व भर में एक आधिकारिक अवकाश के रूप में वार्षिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्यों मनाया जाता है ये जानते हैं कि 1 मई को क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरुआत की थी, हालांकि उस समय इसे मद्रास दिवस के रूप में जाना जाता था। मजदूरों के लिए 19वीं सदी के शुरुआत में 8 घंटे काम और बेहतर सुविधाओं की बहाली की गई। इस तिथि का चयन समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक दलों के संगठन सेकेंड इंटरनेशनल द्वारा किया गया। उस समय 4 मई 1886 के दिन शिकागो में हेई मार्केट अफेयर मनाने के लिए यह दिन निर्धारित किया गया था। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वह अवसर था जब पहली बार लाल रंग झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर उपयोग किया गया था। विश्व भर में मजदूर संगठित होकर अपने साथ हो रहे अत्याचारों व शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।